छात्र विश्व जहां कोरोना महासंकट से जूझ रहा है और हम सब भी संकट से जूझ रहे हैं, छात्रों की परिस्थिति असमंजस सी हो गई है। एग्जाम कब होगा, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रहे हैं, सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, और जो संभावना दिख रही है ऐसा लगता है कि सबसे अंत में कोचिंग संस्थान को ही खोला जाएगा और ये जुलाई में खोला जाएगा या अगस्त में खोला जाएगा इसकी भी निश्चितता नहीं है, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि जुलाई में ये पीक पे जाएगा। जब जुलाई में ये पीक पे जाएगा तो निश्चितया कोचिंग संस्थान जुलाई में शायद ही खुलेंगे। अगस्त सितंबर में संभावना है, लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल रही तो। ऐसी विपरीत परिस्थिति में छात्र हाथ बंद करके घर में बैठे रहे ये उचित नहीं है। विजन सिविल सर्विस सेंटर ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों की संपूर्णता से तैयारी हो सके इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जो वीडियो क्लास के रूप में भी होंगे और लाइव क्लासेस के रूप में भी होंगे। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जो भी वीडियो क्लास या लाइव क्लास आपको YouTube में दिया जाएगा तो उसका PDF हैंड रिटन और प्रिंटेड प्रत्येक दिन उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि छात्र सिर्फ सुने नहीं, हो सकता है सुनने में कुछ छूट जाए, आंसर उस उत्कृष्ट तरीके से ना बने तो एक PDF साथ में ही इंक्लूड कर दिया जाए। एक दूसरी कोशिश ये की गई है, अगर छात्र ऑनलाइन क्लासेस से कुछ चीज नहीं समझ पाते, लाइव क्लासेस से बहुत कुछ चीज नहीं समझ पाते क्योंकि 1-to-1 कॉन्टैक्ट की संभावना लगभग कम रहती है, क्योंकि अगर सभी को मौका दिया जाएगा तो एक केओस की स्थिति हो जाएगी। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि जितने भी फैकल्टी हैं उन सभी के नंबर छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे और हर एक फैकल्टी की टाइमिंग फिक्स हो गई, उस टाइमिंग में छात्र उस फैकल्टी से अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हैं, यानी अपने प्रश्न अगर कोई पूछना हो उस फैकल्टी से आप पूछ करके अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। यानी एक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे या वीडियो क्लासेस मिलेंगे, उसके PDF में नोट्स मिलेंगे, तीसरा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जब भी आपकी वो नंबर आपको दिया जाएगा वो आपको उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये कितने दिनों तक होगा, तो अब यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, हर एक छात्र जो जो इस क्लास में रजिस्टर्ड कराएंगे उनको एक अलग से कोड दे दिया जाएगा और ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड होंगे, बिना रजिस्टर्ड वाले को, यानी ये पब्लिक नहीं होगा, ये प्राइवेट होगा,
उन्हीं छात्रों को वो क्लासेस दी जाएंगी जो छात्र इसमें रजिस्टर्ड होंगे। फीस क्या होगी, फैकल्टी क्या, फैकल्टी कौन कौन होंगे, क्लासेस कब दी जाएगी, इसकी डिटेल अभी जो YouTube में दिया जा रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल दिए जा रहे हैं। आपको 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 15 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद हम शेड्यूल सेव करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, कोड बनाएंगे और फिर हम उनको लाइव क्लासेस और वीडियो क्लास रेगुलर दे सकते हैं। इसमें हमने 3 श्रेणी बांटी है। एक तो कुछ छात्र जो सिर्फ पीटी क्लास लेंगे तो वो पीटी क्लास ले सकते हैं, कुछ छात्र मेंस क्लास लेंगे तो वो मेंस ले सकते हैं और कुछ छात्र अगर ऑप्शनल का लेना चाहेंगे तो ऑप्शनल भी दे सकते हैं और कुछ छात्र अगर तीनों लेना चाहते हैं तो तीनों ले लेंगे। तो तीनों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंडिविजुअली कराएंगे तो सिर्फ आपको वो पीटी मिलेगा या मेंस मिलेगा या ऑप्शनल मिलेगा, लेकिन अगर तीनों कराते हैं तो तीनों आपको मिलेंगे। तीनों के मैंने कहा लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ में नोट्स भी मिलेंगे और आप जिज्ञासा भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, कोरेस्पोंडेंस कोर्सेस के मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो 66वीं पीटी और की हो, 66वीं मेंस की हो, 66वीं ऑप्शनल की हो और 65वीं मेंस की जीएस की और ऑप्शनल की भी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कल हम 11:30 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे, आप प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई भी छात्र अगर आज को जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो कल प्रोवाइड किया गया था उस पर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कब से क्लासेस होंगी, कब समय क्या होगा, विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। वैसे YouTube क्लास YouTube में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डिटेल दी जा रही है। मेरे तरफ से ये छोटा सा प्रयास है कि मैं छात्रों को अध्ययनरत बनाए रखूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे क्रांति आ जाएगी, परंतु कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, एक नई दिशा जरूर दिखाई देगी, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि एग्जाम सामने में, जुडिशरी का एग्जाम सामने में है, 65th मेंस का एग्जाम सामने में है और 66th मेंस की भी घोषणा हो चुकी थी। मेरे हिसाब से वो जून में उसकी भी वैकेंसी घोषित कर दी जा सकती है, एग्जाम भले ही अक्टूबर नवंबर में हो लेकिन घोषित की जा सकती है। तो बीपीएससी की समग्रता से कैसे तैयारी करेंगे इसके लिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था लेके आए हैं, जो वीडियो क्लास के रूप में भी होगी और लाइव क्लासेस के रूप में भी होगी और हर संभव आपको कोशिश की जाएगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद दे सके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी प्रोविजन है अलग से, जो इसमें ओवरऑल क्लास लेंगे तो उनके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर अलग से कोई छात्र पीटी की 66वीं पीटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 65वीं की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। मेरी कोशिश है
आप सहयोग करें, कोशिश करूंगा कि काया पलट हो। धन्यवाद।